दोस्तों आप लोग फेसबुक तो यूज़ करते होंगे। फेसबुक जब यूज़ करते हैं तो कभी कभी हमारे सामने प्रॉब्लम एक सामने आ जाती है, जब हम किसी भी फ्रेंड या कोई भी पर्सन है उसकी प्रोफाइल में जाते हैं। प्रोफाइल में जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखना चाहते हैं, देख लेते हैं। देखने के बाद हम चाहते हैं कि इसको हम सेव कर लें। अब प्रोफाइल पिक्चर किसी की हम चाह रहे हैं इसको सेव कर लें, तो सेव का ऑप्शन हमको देखने को कहीं भी नहीं मिलता है। अब इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, या हम स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी हमारा नहीं लिया जा सकता। दिस ऐप डजंट अलाउ टू टेकिंग अ स्क्रीनशॉट, इस तरीके का लिखा आता है। तो आप इसको कैसे सेव कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना है, आपको बहुत सिंपल सा काम करना है। आपको अपने फ़ोन में ओके गूगल सेट कर लेना है। यदि आपको नहीं पता ओके गूगल कैसे सेट करते हैं या गूगल असिस्टेंट कैसे यूज करते हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, आपका जो होम बटन होता है जब आप उसको दबाए रखेंगे तो आपको गूगल असिस्टेंट चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जैसे मैं गूगल असिस्टेंट चालू कर लेता हूँ, कैसे करता हूँ, मैं साइड में ये मैं इस तरीके से उंगली फेरता हूँ ना कोने पे, तो मेरा गूगल असिस्टेंट चालू हो जाता है। इससे मैं बोलूँगा, जैसे मैंने ये वाली प्रोफाइल खोल ली, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो कैसे लूँगा, तो मैं क्या करूँगा इस तरह से स्वाइप करूँगा, यहाँ पर बोलूँगा टेक ए स्क्रीनशॉट। दोबारा से बोलता हूँ मैं टेक अ स्क्रीनशॉट, तो ये स्क्रीनशॉट खुद के खुद ही ले लेगा। और अब आप इसको कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, ये आप सेव कर सकते हैं। यदि आप करते हैं कॉपी टू इंटरनल स्टोरेज, ऐसे पेस्ट कर देना। करने के बाद हमारा जो फोटो है वो इंटरनल स्टोरेज में पहुँच चुका है। कहाँ पे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एसडी कार्ड से हमको स्क्रीनशॉट मिल चुका है, जो कि पहले हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे थे। एसडी कार्ड में सेव किया ना मैंने, एसडी कार्ड में फ़ोटो हमको मिल गया है। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, जहाँ पर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है ना कि ऐप अलाउ नहीं करता स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो बहुत सारी जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो भाई यही ट्रिक थी जो मैंने आपको बता दी, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।